लक्ष्मण, यही उचित समय है भाई, जाओ रावण से जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके आओ। भैया उस साताताई अत्याचारी रावण से जीवन की शिक्षा। लक्ष्मण, रावण के जीवन के दो रूप हैं, एक जो तुमने कहा और दूसरा महाज्ञानी, महापंडित, परम शिव भक्त। जाओ लक्ष्मण, इससे पहले कि रावण की नाभि का अमृत सूख जाए। जाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। प्रणाम लंकेश्वर। मैं अपने स्वामी भैया राम की आज्ञा से आपसे जीवन उपयोगी शिक्षा ग्रहण करने आया हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें लंकेश्वर। तुम धन्य हो जिसे श्री राम जैसा भाई मिला। तुम मुझसे क्या लेने आए हो? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें तीन बातें बताता हूं, इन तीन बातों में संपूर्ण जीवन का मर्म छिपा है। पहली बात, शुभस्य शीघ्रम। लक्ष्मण, शुभ कार्य करने में कभी कभी आलस नहीं करना चाहिए। मैंने यही भूल की। मैंने अशुभ कार्यों में शीघ्रता दिखाई, परंतु शुभ कार्य करने मैं कभी उत्सुक नहीं हुआ। और आज मेरी दशा देख लो लक्ष्मण, मेरी दशा देख लो। यदि मैंने साध्वी सीता का हरण करने में उत्सुकता नहीं दिखाई हो, तो आज मेरी ये दशा ना होती। आज मेरी ये दशा ना होती लक्ष्मण, और मेरा कुल जीवित होता। लक्ष्मण, उस समय मेरे सामने शुभ कार्य भी थे। जब बहन शूर्पणखा ने मुझे श्री राम के विषय में बताया, तो मैं समझ गया कि मुझे मुक्ति देने स्वयं श्री नारायण पधारे। परंतु मैं मूर्ख श्री राम के चरणों में झुकने का अवसर डालता रहा। मेरे पुत्र मेघनाथ और भाई कुंभकर्ण की मृत्यु पर भी मेरी इच्छा हुई कि मैं श्री राम के चरणों में शरण ले, परंतु मैं उस शुभ कार्य को टालता रहा। इसीलिए लक्ष्मण, कि शुभ कार्य करने में कभी आलस मत करो, और अपना जीवन शुभ कार्य में लगाओ। इसीलिए लक्ष्मण, जीवन में शुभ कार्य शीघ्र आरंभ कर दो। अद्भुत ज्ञान दिया आपने लंकेश। शुभस्य शीघ्र। अब दूसरी शिक्षा बताइए। मेरी दूसरी शिक्षा
कि अपने शत्रु को कभी भी अपने से निर्बल मत समझो। जब ब्रह्मा जी मुझे वरदान दे रहे थे तो मैंने अन्य सभी पर विजय पाने का वरदान मांगा, परंतु मैंने तुच्छ मानवों और वानरों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा अहंकार ये सोच ही नहीं सकता था कि वानर और मानव मेरा लंका पति रावण का वध कर सकते। मेरी यही भूल और मेरा अहंकार ही मेरे अंत का कारण बनी। मेरे भाई, आपसे ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ लंकेश्वर। और तीसरी शिक्षा? अब मेरी तीसरी शिक्षा, लक्ष्मण, जीवन में अपना व्यक्तिगत रहस्य और निर्बलता किसी को मत बताना। लक्ष्मण, किसी को मत बताना। यमदेव ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से मेरी नाभि में अमृत स्थापित किया। ये रहस्य किसी को नहीं पता था मेरे भाई, परंतु मैंने ये रहस्य अपने प्रिय भाई विभीषण को बता दी, और उसे बताने की भूल मेरे अंत का कारण बना। लक्ष्मण, आपसे ज्ञान पाकर मैं धन्य हुआ गुरुदेव, मैं धन्य हूं। लक्ष्मण, श्री राम की सेवा सदैव करते रहना, क्योंकि वही श्री राम संसार को भवसागर पार कराने वाले। जी लंकेश, श्री